सो हेलो गाइज, मानव विजयन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो फाइनली गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है ईजी टू टच के बारे में होने वाली। बेसिकली आई नो कि काफ़ी लोगों के पास से ये ऑप्शन होगा अवेलेबल, जो कि काफ़ी डिवाइसों में एंड इसे इस्तेमाल काफ़ी कम लोग यूज करते हैं। पर्सनली मैं भी इसे यूज नहीं करता, बट ऑप्शन है तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो चलो गाइज, हम देखते हैं कि ईजी टू टच को हमें कैसे यूज करना है और उसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, किसका यूज हम कैसे करेंगे। तो गाइज, आपको ईजी टू टच के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से स्क्रॉल अप करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ईजी टच का ऑप्शन मिल जाएगा आसानी से। हाँ, हो सकता है किसी डिवाइसों में, किन्हीं किन्हीं डिवाइसों में नहीं होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट बेसिकली लेटेस्ट है, जो कि लेटेस्ट डिवाइसों में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कम लोगों में दिखने को मिलेगा। बट जिनमें है उनके बारे में बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको यूज करना चाहिए। तो चलो गाइज, हम देखते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा इसे इनेबल, तो हमने एक क्लिक किया और ये इनेबल हो चुका है। यहाँ पर एक आइकन आपको शो हो रहा है, जस्ट ये ब्लैक वाला, तो अभी हम इसको कर देते हैं सबसाइड, यहाँ से हम कट कर देते हैं और ये हम ब्लैक ऑप्शन को हम करने वाले यूज। तो हम इसको क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ऑप्शंस आए हैं, जो कि मैं बता दूं ये नॉर्मली यहाँ शॉर्टकट में भी ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक इनमें यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ पर ईजी टू टच में ये भी एक शॉर्टकट ही है जो इसमें भी यूज करने के लिए दिया जाया है। तो गाइज, जब बता दूँ इसके अंदर क्या क्या है और कैसे इसे यूज करना है, तो सबसे पहले गाइज बता दूँ ये जो है अपडेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर पहले जो था कुछ अलग सा था, थोड़े से ऑप्शन थे, बट इसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए। तो गाइज, यहाँ से जो हम अपने व्हाट्सएप को हैंडल कर सकते हैं, मैसेज को हैंडल कर सकते हैं, फेसबुक को हैंडल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर नोट, कैलकुलेटर, सर्च और स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्ड ऑडियो, यहाँ से इनका भी ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में थ्री डॉट पे क्लिक करके हम इसके बारे में थोड़ी सी और देखेंगे चीज़ें क्या होने वाली है। तो गाइज, हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप को हम ओपन करते हैं। तो कैसे व्हाट्सएप, लाइक ये मल्टी स्क्रीन में हो जाता है, तो हम चलो ट्राई करके दिखाते हैं। तो गाइज, हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप को क्लिक कर देते हैं। सिंपली हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर व्हाट्सएप में हमने यहाँ चले गए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड चूज करते हैं, तो हमने यहाँ पासवर्ड चूज किया, देख सकते हो मल्टी स्क्रीन बन चुकी है, जो कि दो स्क्रीन हो चुकी है, जो कि हमारा ईजी टच में ऐसा कर सकते हो आप। तो आप किन्हीं, लाइक आप फेसबुक में कर सकते हो, मैसेज में भी कर सकते हो, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पर दो तीन और फाइलें मिलती हैं, तो आप इनका यूज़ करिएगा। एक चीज़ यहाँ पर हमको बहुत अच्छी लगी, जो कि रिकॉर्ड करने वाली, जो कि हमारी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, और ऑडियो रिकॉर्ड भी यहाँ से कर सकते हो। सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, एक बार फिर से क्लिक कर दोगे तो हमारी जो है ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, तो हम यहाँ से भी इसे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक मॉनिटर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, जो कि स्क्रीनशॉट देख सकते हो लग चुका है। और यहाँ पर बेसिक चीज़ें और है, जैसे नोट पैड है, आप कुछ सेट करना चाहते हैं, लाइक कुछ सेव करना चाहते हो लिख के, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पैनल देख सकते हो ओपन हो चुका है। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देते हैं, अब यहाँ पर डन कर देंगे, जो है ये नोट सेव्ड हो चुका है, ये नोट में सेव्ड हो चुका है, तो हम जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर से हम क्लिक करेंगे, कैलकुलेटर है, यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर है, तो हमें इसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कैलकुलेटर में कुछ भी माइनस प्लस या एंड वट एवर जो भी आप करना चाहो, तो यहाँ पर आप उसे टास्क को कर सकते हो कंप्लीट। तो गाइज, ये जो है कुछ नॉर्मल ऑप्शंस हैं, सिंपली देख सकते हो। सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, स्कैन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऊपर आपको साइड कॉर्नर में स्कैन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सेम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक बार जाके चेकआउट करना, जो कि ये ईजी टच का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है और अपडेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीज़ें बढ़ती रहती हैं। और थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है मॉनिटर कर सकते हो कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपको ऐड करने हैं, जो कि आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हो। क्लिक टू ऐड पे क्लिक करोगे तो हमारे यहाँ से एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, तो जिस एप्लीकेशन को चाहो आप उसे ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो होपफुली गाइज, ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, मैं मिलता हूँ फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।